गुना बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, जिसके बाद परिवहन आयुक्त ने भी सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देशित किया और अब परिवहन विभाग भी अलर्ट नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में भी आरटीओ संजय तिवारी ने चेकिंग अभियान चलाया और बसों की जाँच की, साथ ही और क्या कुछ कहा आगे कार्यवाही रहने वाली है। आपको बता दें कि इसको लेकर हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने आरटीओ संजय तिवारी से खास बातचीत की। सर, जिस तरीके से गुना हादसा हुआ था उसके बाद अब आपने भी चेकिंग अभियान शुरू किया है, किस तरीके की चेकिंग की जा रही है? बसों की चेकिंग की जा रही है, जो बसें हेड नहीं है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी। हमारा यह प्रयास है भोपाल जिले से संबंधित जितनी भी बसें हैं वो पूरी तरीके से फिट होने के पश्चात ही रोड पर चलें, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और जो बसें फिट नहीं पाई जाएंगी उनको जब्त कर दिया जाएगा। अभी तक कितनी बसों की कार्रवाई करी? अभी तक लगभग 20 बसों के हो चुकी है कार्रवाई। सर, संचालकों की भी क्या बस संचालकों की बैठक बुलाई जाएगी? बस संचालकों की भी बैठक बुलाई जाएगी और उनको बताया जाएगा कि वो अपनी बसें जो अभी ठीक यदि नहीं है तो उनको ठीक कर लें, उसके पश्चात ही बसों को रोड पर उतारें।